तो भाई लोग अपना पोलार्ड एक नए अवतार में आ चुका है। वो अवतार नहीं मतलब नया वेशभूषा बैडएस पोलार्ड। तो चलो फटाफट से बाल की खाल निकालते यानी अपना सस्ता वाला ब्रेकडाउन करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें कैंग की आवाज आती है जो अपने स्कॉट के बारे में कुछ बता रहा होता है, कुछ अच्छी बात कुछ बुरी बात। देन उसके बाद हमें वही सारे शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं जो हमें पहले वाले ट्रेलर में देखने को मिले थे। ये सारे पुराने क्लिप्स निकलने के बाद हमें अपना बैडएस कैंग देखने को मिलता है जो लिटरली काफी बैडएस लग रहा है और इसे देख करके एक डर वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और वो बोलता है एंटमन को, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, यानी टाइम, समय। उसके बाद हमें क्वांटम रेलम का कैंग का प्लेस देखने को मिलता है। फिर अगले ही क्लिप में सब कुछ इंटेंस हो जाता है, अपना एंटमैन का क्लोन निकलने लगता है। एंटमैन, कैंग और कैसी कहीं जा रहे होते हैं और इसके रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी है तो प्लीज सुन लेना। तो हो कुछ ऐसा सकता है कि कैंग एंटमैन की मदद से कुछ करवाना चाहता हो। कुछ दिन पहले एंटमैन का लीक ट्रेलर आया था तो उससे पता चला था कि कैंग एंटमैन की मदद से एक टाइम हाइस्ट करवाने वाला है और यही सिमिलर चीज हमें यहाँ देखने में लग रहा है। और कैंग स्टार्टिंग में ही बोलता है तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, यानी टाइम। तो हो भी सकता है ये कि टाइम हाइस्ट की पूरी सीन हो। देन उसके बाद सब कुछ तीव्र रूप से बढ़ने लगता है, जहाँ स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मली चलता है लेकिन उसके बाद केओस मचने लगता है। अगर तुम कैंग के डायलॉग्स पे ध्यान दोगे तो वो कहता है जो मेरे को चाहिए वो मेरे को दे दो, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बैड वाली फीलिंग आ रही है कि कैंग हो सकता है कि होप के साथ कुछ करना चाहता हो, मतलब वो नहीं ठरकी हो, मतलब किडनैप या मारना चाहता हो ऐसा कुछ। देन उसके बाद हमें कैंग का पूरा साम्राज्य देखने को मिला जहाँ उसके पास बहुत सारे सैनिक हैं। फिर हमें एक वार का सीन देखने को मिलता है जो प्रोबेबली क्लाइमेक्स का सीन होगा, जहाँ सब लोग किसी से लड़ रहे हैं और कुछ लोग किसी से भाग रहे हैं। देन उसके बाद हमें एंटमैन का बहुत बहुत सारे क्लोन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि ये सारे वेरिएंट्स है या फिर इसके क्लोन्स ही है। देन इसके बाद अगले सीन में हमें मार्वल का सबसे घटिया, सबसे कमीना, सबसे हरामी विलन देखने को मिलता है, मॉर्डॉक, जो इस मूवी का प्रोबेबली मेन विलन होने वाला है और कतई लसन आदमी है ये। ये वाला कैंग जिसे एंटमैन विर रहा है ये सबसे कम पावरफुल, सबसे कम ब्रूटल होगा, लास्ट में असली बिग डैडी आने वाला है। देन उसके बाद हमें कैंग एंटमैन से लड़ते हुए दिखता है जहाँ कैंग एंटमैन की चटनी बना देता है, पेल पल नेपाल कर देता है उसे। देन उसके बाद वही हमें वार वाले सीन देखने को मिलता है जहाँ एक नया कैंग आई थिंक वो आता है। और यहाँ मेरे को लगता है ये सीन ऑब्वियसली क्लाइमेक्स का ही होने वाला है, एक और कैंग आएगा यहाँ पे। ये वाला कैंग ज्यादा ब्रूटल होगा, ज्यादा डार्क होगा, बिकॉज कि हमें कैंग डायनेस्टी तक हमें लगभग सारे कैंग्स देखने को मिल जाएंगे जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ब्रूटल होने वाले हैं। और ट्रेलर अपना यहीं पर समाप्त हो जाता है। कुछ क्लिप्स पुराने ट्रेल गए थे, कुछ नए डाले गए थे, लेकिन जो भी थे गूजबम्स आ गए थे भाई। लिटरली इसको कहते हैं हाइप बढ़ाना। ये मूवी के मदद से आने वाले मूवी के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा हाइप्ड हो गया हूँ। ये मूवी आने वाले मूवी के लिए ऑटोमेटिकली हाइप बढ़ा देती है। पर ट्रेलर के पूरी वाइब एक सैड फील के साथ आती है, ऐसा लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है, कोई तो मरने वाला है। इस ट्रेलर में इतने सारे थ्योरी बन सकते हैं, इतने सारे डिटेल्स निकल सकते हैं जिसके लिए एक अलग वीडियो तो बनता है। तो बात करने के लिए बहुत कुछ है जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे अपने फैन थ्योरीज के साथ, जो तुम देखना जरूर। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक पास्ट।